आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 की अमेरिकन सेक्स कॉमेडी फिल्म नो हार्ड फीलिंग्स। ये फिल्म आपको इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफी मजेदार भी लगने वाली है, क्योंकि इसमें जेनिफर लॉरेंस ने अपनी एक्टिंग के कई रंग एक साथ दिखाने की कोशिश की है। वैसे इस फिल्म को थोड़ा बहुत एडल्ट फिल्म की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि एक आदमी जिसका नाम गैरी था और वो गवर्नमेंट का आदमी था, मैडी की कार को लेकर जा रहा था क्योंकि उसने 3 महीनों से अपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे थे। मैडी गैरी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके साथ फ्लर्ट करके उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का गैरी पर कोई असर नहीं होता। मैडी को दिक्कत ये थी कि वो ड्राइवर थी, इसीलिए बिना कार के तो उसका काम चल ही नहीं सकता था। हाँ, साथ ही में वो बारटेंडर का भी काम करती थी, लेकिन घर का खर्च किसी भी एक काम से चलाया नहीं जा सकता था। और यही बात मैडी गैरी को भी समझाती थी, पर उसके सारे रिक्वेस्ट बेअसर हो जाती थी और गैरी गाड़ी को लेकर चला जाता है। इसके बाद मैडी को रोलर स्केट्स चलाते हुए ही काम के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन एक जगह पर जाने के बाद उसे टोइंग वैन के साथ अपनी गाड़ी नजर आ जाती है। वो वहाँ से चोरी छुपे गाड़ी को ले जाने लगती है, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। आखिर में उसे अपना गुजारा चलाने के लिए एक दूसरी छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। इस वक्त मैंडी अपना घर बचाने के लिए इतनी बुरी तरह से परेशान थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ठीक इस मौके पर जब मैंडी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, तो मैंडी की दोस्त उसे एक एड दिखाती है। हालांकि वो एड काफी अजीब सा था, लेकिन मैंडी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एड एक मैरिड कपल ने दिया था, जिसके मुताबिक उन्हें अपने 19 साल के बेटे के लिए 24-25 साल की एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो उनके बेटे को डेट कर पाती, क्योंकि उनका बेटा काफी शर्मीला था और किसी से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी। यानी कि कहना गलत नहीं होता कि अपने बेटे के लिए उन्हें एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो उसे जीना सिखा पाती। और अगर कोई लड़की ऐसा करने में सफल हो जाती तो वो उसे अपनी टेस्ला कार गिफ्ट करने के लिए भी तैयार थे, जो कि करीब करीब नई ही थी। लेकिन उन्हें 25-26 साल की लड़की चाहिए थी, जो कि मैंडी की उम्र तो 32 साल की थी। पर ये सब जानते हुए भी मैंडी उन लोगों के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में घुसती है, वैसे ही सामने चमचमाती टेस्ला कार को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होने लगती है। इसके बाद मैंडी उस कपल से मिलती है, क्योंकि उनके बेटे को आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना था, इसलिए उसे जिंदगी जीने और सोशल लाइफ लीड करने के तौर तरीके सिखाना चाहते थे। पर उन्हें मैंडी की उम्र काफी ज्यादा लगती थी, जिसके लिए मैंडी ने अपनी दलील पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। जैसे कम उम्र की लड़कियां इस काम को नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास इस तरह की बातों को समझने और करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए वो उनके बेटे को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है। मैंडी की बात सुनने के बाद उस कपल को अपने बेटे यानी कि पर्सी के लिए मैंडी बिल्कुल सही लगने लगती है और ये काम मैंडी को दे दिया जाता है। लेकिन साथ में मैंडी को इस शर्त का भी पालन करना था कि ये बात उन तीनों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, पर्सी को तो हरगिज नहीं। मैंडी उनकी सारी शर्तें मान लेती है। इसके बाद मैंडी पर्सी का पीछा करना शुरू कर देती है। पर्सी वॉलंटियर के तौर पर एक पेट शॉप पर काम करता है। मैंडी अपने लिए एक कुत्ता खरीदने के बहाने से उस शॉप में चली जाती है, जहाँ पर वो जी भर के पर्सी के साथ फ्लर्ट करके उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है। लेकिन पर्सी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हर तरफ से कोशिश करने के बावजूद जब वो पर्सी को उसकी तरफ देखने के लिए मना नहीं पाती है, तो मैंडी ये कहकर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाती है कि आज वो उसे घर ड्रॉप कर देगी। यहाँ तक कि वो पर्सी की साइकिल भी अपने वैन में रख देती है, लेकिन बेचारा पर्सी कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वैन की हालत और उसमें रखे अजीबोगरीब सामान को देखकर पर्सी को मैंडी से डर लगने लगता है। उसे लगा मैंडी उसे किडनैप कर ले जाना चाहती थी। इसी बीच मैंडी ने उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया था और पर्सी का ये डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब मैंडी गाड़ी को उसके घर के डायरेक्शन में ना ले जाकर कहीं और ले जाती है। बस फिर क्या था, पर्सी मैंडी की आंखों में पेपर स्प्रे करके उसे लाचार कर देता है। यहाँ तक कि गाड़ी से बाहर निकलने के बाद भी पर्सी उसकी आंखों पर स्प्रे करता चला जा रहा था। इतने ही देर में मैंडी की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए अब वो पर्सी से उसके ऐसे करने का कारण पूछ लेती है। तब पर्सी मैंडी से कहता है कि उसने मैंडी के ऊपर स्प्रे इसलिए किया क्योंकि मैंडी उसे किडनैप करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मैंडी पर्सी से कहती है कि अगर उसे ये सब करना ही होता तो वो शॉप पर उसे अपनी सारी डिटेल्स क्यों देती, जो कि उसने कुत्ते को खरीदने के लिए लिखवाई थी। पर्सी को मैंडी की बातों में दम लगता है, इसीलिए वो मैंडी के ऊपर पाइप से पानी डालकर उसकी आंखों की जलन को ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद मैंडी
पर्सी से कहती है कि पहली बार देखने पर ही वो उसे अच्छा लड़का लगा, बस इसीलिए वो उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। मैंडी इसके अलावा भी पर्सी से बहुत कुछ और कहती है, जिसे सुनकर पर्सी को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उससे डेट पर चलने के लिए कहता है। मैंडी तो ऐसे ही किसी मौके के इंतजार में थी, इसीलिए वो तो कभी भी इस ऑफर को मना नहीं कर सकती थी। मैंडी को पर्सी के अंदर मैच्योरिटी की काफी कमी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपना काम तो करना ही था, इसीलिए अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाकर पर्सी का इंतजार करने लगती है। पर्सी वहाँ आता जरूर है, लेकिन कोट और हाफ पैंट पहनकर, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पर्सी को देखने लगते हैं। खुद मैंडी भी उसे इस तरह अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ मैंडी पर्सी को ये समझाने की कोशिश करती है कि अब वो बड़ा हो चुका था और उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मैंडी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और पर्सी से मैंडी के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे में जब वो दोनों वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे बीच पर पहुँचते हैं और मैंडी पर्सी के साथ में नहाने के लिए कहती है, तो पर्सी की हालत और भी बुरी होने लगती है। मैंडी के बहुत समझाने पर भी जब पर्सी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो मैंडी ये सोचकर पर्सी के सामने ही कपड़े उतार कर पानी में अकेले नहाने के लिए चली जाती है कि बाद में वो उसको भी अपने पास बुला लेगी, और फिर ठीक वैसे ही होता है। हारकर पर्सी भी मैंडी की बात मान लेता है, लेकिन अभी वो दोनों साथ नहा ही रहे थे कि वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ आ जाते हैं और उन दोनों के कपड़े लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर पहले तो मैंडी आवाज लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनते तो उसी हालत में वो बाहर आकर उनके साथ मारपीट करने लगती है और अंत में उन तीनों को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। लेकिन पर्सी, जो कि अभी तक पानी से बाहर नहीं आया था, मैंडी के इस रूप को देखकर काफी डरा हुआ था, तो वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मैंडी का मूड खराब हो जाता है और वो भी पानी से निकल जाती है। जब पर्सी गाड़ी के बाहर खड़े होकर मैंडी से अपने कपड़े और फोन मांगने लगता है, मैंडी पर्सी को उसके कपड़े तो लौटा देती है लेकिन फोन नहीं देती। लेकिन पर्सी को तो अपना फोन चाहिए था, पर जब मैंडी पर्सी की बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, तो कोई रास्ता ना देखकर पर्सी उसकी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ जाता है। मैंडी पर्सी से बार बार गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, तो वो उसी हालत में पर्सी को अपने घर लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर एक बार फिर मैंडी पर्सी के ऊपर अपना जादू चलाने में लग जाती है। पर्सी को भी मैंडी का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन यही सब करते हुए मैंडी की नज़र पर्सी की पीठ पर चली जाती है, जिसके ऊपर काफी रैशेस हो गए थे। तब पर्सी मैंडी को बताता है कि जब कभी भी वो घबराता है तो उसकी पीठ पर इस तरह के रैशेस हो जाते हैं। इसके बाद जब मैंडी पर्सी की पीठ पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी निजी बातें शेयर करते हैं। यहीं पर पर्सी मैंडी को ये भी बताता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाने वाला था। ये सुनकर मैंडी थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसको अपना काम जल्द से जल्द करना था। इसके बाद पर्सी मैंडी के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि उनका मिलना जुलना काफी ज्यादा बढ़ गया। मैंडी का गोल तो बिल्कुल क्लियर था कि उसे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना था, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस होने लगा था कि पर्सी उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होता जा रहा था। यहाँ तक कि वो दोनों जब एक दूसरे के साथ अपना पहला किस भी शेयर करते हैं, तो उसकी पहल पर्सी की तरफ से ही होती है। लेकिन मैंडी की जिंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ थी कि वो इन बातों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगले ही दिन बैंक से एक बंदा आकर सारे ड्यूज क्लियर करने को कह देता है, नहीं तो मैंडी को ये घर खाली करना पड़ सकता था। इसके बाद पर्सी और मैंडी एक बार फिर से डिनर डेट के लिए जाते हैं, जहाँ पर पर्सी मैंडी को अपने गाने की शॉप के बारे में बताता है। ये जाने के बाद अब मैंडी पर्सी से पियानो बजाते हुए एक गाना गाने के लिए कहती है, क्योंकि पर्सी पियानो बहुत ही अच्छा बजाता था और गाता भी था, इसीलिए सभी को उसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। इसके बाद पर्सी से मिलने के लिए उसके स्कूल की एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और पर्सी को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करके चली जाती है। हालांकि मैंडी उसको वहीं पर मना कर देती है, क्योंकि उसे उस लड़की का पर्सी के साथ चिपकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद पर्सी और मैंडी के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, पर पर्सी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसी मूड में वो अपने दोस्त की पार्टी में पहुंच जाता है। मजबूरी में मैंडी को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैंडी उस पार्टी में पहुंचती है, तो सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि ये टीनेजर्स की पार्टी थी और उन लोगों के मुताबिक मैंडी की उम्र काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन मैंडी को तो सिर्फ पर्सी से ही मतलब था, इसीलिए वो सभी से पर्सी के बारे में पूछती जा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि पर्सी अपनी उसी दोस्त के साथ किसी कमरे में गया हुआ था। ये सुनकर मैंडी के होश उड़ गए और वो भागते हुए जाकर एक एक कमरे में पर्सी को ढूंढने लगती है। अंत में पर्सी तक पहुंचने के लिए उसे एक कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, तो पर्सी अपने उसी दोस्त के साथ बिना कपड़े के बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी, हालांकि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पर्सी से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंडी पर्सी के मुंह में उंगली डालकर उससे उल्टी करवा देती है। इसके बाद
पर्सी बात करने की हालत में आ पाता है। पर्सी के लिए मैंडी वहाँ सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेती है और पर्सी भी मैंडी के खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए दोनों साथ में पार्टी से निकल जाते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद पर्सी मैंडी से उसके लिए अपने प्यार का इजहार कर देता है। यहाँ तक कि अगले दिन पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि अब वो आगे की पढ़ाई के लिए प्रिंसटन नहीं जाएगा क्योंकि उसे मैंडी से प्यार हो गया है और मैंडी उससे मिलने के लिए इतनी दूर नहीं आ पाएगी। वो उनसे ये भी कह देता है कि वैसे तो मैंडी उससे उम्र भी काफी बड़ी है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सी की बात सुनकर उसके पेरेंट्स का तो जैसे दिमाग खराब हो जाता है। घबराहट में उसके फादर मैंडी को तुरंत ही कार देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उनकी शर्त थी कि मैंडी को पर्सी को प्रिंसटन जाने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन अनजाने में ही पर्सी पेरेंट्स के साथ मैंडी के सौदे की बातचीत के बारे में सुन लेता है। इसके बाद वो मैंडी को खाने पर आने के लिए बुला लेता है और गुस्से में मैंडी को मिलने वाली उस कार को बुरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। इसके बाद वो मैंडी को बता देता है कि उसे मैंडी और उसके पेरेंट्स के बीच की सेटिंग के बारे में पता चल चुका था और इसके बाद पर्सी मैंडी के साथ अपने सारे रिश्ते को खत्म कर लेता है। मैंडी उस टूटी फूटी कार को ही ले लेती है और पैसे बचाकर प्रॉपर्टी टैक्स भी भर देती है लेकिन साथ ही अपने घर को अपने दोस्त जिम और सारा को बेच देती है और खुद कैलिफोर्निया जाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो पर्सी से फिर मिलती है और उसे धोखा देने के लिए उससे माफी मांगती है लेकिन पर्सी उसकी बात नहीं मानता और इस बार मैंडी उसकी कार के बोनेट पर बैठ जाती है। पर्सी कार को समुद्र में गिरा देता है। उसके बाद वो मैंडी को बचाने के लिए भागता है। दोनों में सुलह हो जाती है और वो दोस्त बने रहने का वादा करते हैं। बाद में मैंडी पर्सी को बताती है कि उसने पर्सी के फेवरेट कुत्ते मिलो को गोद ले लिया था और उस पेट हाउस में रहता है जहां पर्सी काम किया करता था। ये देखकर पर्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।